श्री राम, जय जय श्री राम, रामचंद्र की जय। हजारों साल से भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी रही अयोध्या पर गुलामी की जंजीर आज से करीब 500 वर्ष पूर्व मुगल शासक बाबर और उसके सिपहसालार मीर बाकी ने डाल रखी थी। 22 जनवरी 2024 को ये जंजीर सदा के लिए टूट गई। ये तो थी मुगलों की बात, और अंग्रेजों की बात भी अगर छोड़ दें तो भारत की राजनीतिक आज़ादी के बाद भी पिछले 75 वर्षों से टेंट में विद्यमान थे राम जी, और उनको अपने जन्म स्थान पर विराजमान कराने के लिए विश्व का हिंदू समुदाय कानूनी और मीडिया की लड़ाई काफी सालों से लड़ रहा था। इस लड़ाई की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जीत तब हुई जब भारत की सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। आज उस लड़ाई का दूसरा महत्वपूर्ण चरण पूरा हो चुका है, जिससे पूरे विश्व का हिंदू और राम भक्त समुदाय मारे खुशी के झूम उठा है। हिंदी टाइम्स मीडिया ने 21 जनवरी को ग्रेटर टोरंटो एरिया के मिसिसागा और ब्रैम्पटन स्थित चार महत्वपूर्ण मंदिरों की यात्रा की। इन सभी मंदिरों के नाम हैं हनुमान मंदिर, भारत माता मंदिर, हिंदू सभा मंदिर और हिंदू हेरिटेज मंदिर। इन मंदिरों के नाम अलग हैं, ये मंदिर अलग अलग स्थानों पर हैं, लेकिन आज ये सभी राम भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। एक और रामलला अपने घर में अपने जन्म स्थान पर विराजमान होंगे, वहीं उनकी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इन मंदिरों में भी गजब का भक्ति रस उमड़ रहा है। आप भी वीडियो साक्षात्कार के माध्यम से लोगों के उत्साह और राम प्रेम की झांकी देखिए और महसूस कीजिए कि कैसे अयोध्या से टोरंटो तक सब कुछ राममय है। के लिए कैमरामैन राहुल के साथ राकेश तिवारी की रिपोर्ट।